तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अपनी एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, और लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे अध्याय नौ के हम भाग नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे थे। भाग 3 में हम 2 अंक वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। 2 अंक वाले प्रश्नों के बारे में अभी तक मैं आपको 4 प्रकार के प्रश्न बता चुका हूं। वापस से आज हम भाग 4 में 2 नंबर वाले प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, और आज वापस हम 4 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो टोटल आपके 8 प्रश्न हो जाएंगे जो 2 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो बिल्कुल पेन और कॉपी निकाल लीजिए, अब आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए, और आज की सेशन को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा जो मिशन चल रहा था, उस मिशन का नाम क्या है सर? ये है छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला, उस टॉपिक का नाम है अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकाय। ये होने वाला है सर भाग नंबर 4। कौन सा है? भाग नंबर 4 होने वाला है। भाग 3 और भाग 4 दोनों पार्ट में हम 2 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके बाद इसका और एक पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 5, वहां पर हम 6 नंबर वाले प्रश्नों पर बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल आ जाइए। देखिए, अगर कोई बच्चा सीधा सीधा पार्ट नंबर 4 देख रहा है, तो उसको मैं पहले कहना चाहूंगा कि वो पहले पार्ट नंबर 1 का वीडियो देखे। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया हुआ है, अध्याय 9 और अध्याय 10 में जितने भी हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हमने इसको एक ही वीडियो में समझ लिया है, हमने सब चीजों को एक ही वीडियो में कवर कर लिया, जितने भी फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पार्ट नंबर 1 का वीडियो देखेंगे, फिर 2 में आएंगे, फिर 3 में आएंगे, फिर आप आएंगे पार्ट नंबर 4 पर, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। बिल्कुल सर, देखो मैं अब आपको फॉर्मूला तो लिखवा चुका हूं, फिर भी लेकिन यहां पर मैं एक बार फॉर्मूला वापस से बता देना चाहता हूं जो आज की इस क्लास में हम यूज करने वाले हैं। बिल्कुल देखो, तो याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया हुआ था। मैंने आपको पूरा का कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित 6 फॉर्मूला लिखवा चुका हूं। उन 6 फॉर्मूला को एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूं आपको। देखो, इसी का आज हम यूज करने वाले। देखो, ये होता है साइन 90° माइनस थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया होता कि साइन बदल जाता है सर कॉस में, साइन बदल जाता है सर किसमें, कॉस में। तो ये लिखा जाएगा कॉस थीटा, ये 90 आंसर जाता है, साइन बदल गया कॉस में, और यहां पर ये थीटा की जगह ये थीटा लिखा चुका। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इसी को उलट दो, साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन लिख दो, तो ये हमारा दूसरा नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो दूसरा नंबर देखो, साइन की जगह चिपकाना है हमको कॉस, चिपका दे सर, ये हो जाएगा 90° माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस बदल जाता, कॉस की जगह ये हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन बदल गया कॉस में और कॉस बदल जाता सर, साइन ने बदल जाता, यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। देखो तीसरा नंबर का फॉर्मूला, देखो तीसरा नंबर, खैर इसके बारे में मैं लिखवा चुका हूं, एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। देखो, साइन के बारे में हमने पढ़ लिया, साइन और कॉस में संबंध बनता है, उसी प्रकार से टैन और कॉट में संबंध बनता है, तो टैन 90° माइनस थीटा इज इक्वल टू ये बदल जाता है सर कॉट में, किस में बदल गया सर, कॉट थीटा में बदल गया। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब टैन की जगह कॉट और कॉट की जगह टैन को चिपका दो, तो चौथा नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, टैन की जगह हमको चिपकाना है कॉट, चिपकाओ चिपकाओ, ये हो जाएगा कॉट, कॉट 90° माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर टैन थीटा। बिल्कुल टैन थीटा हो चुका। टैन और कॉट में क्या होता है सर, रिलेशन होता है। हमने 4 फॉर्मूले पढ़ ले, 2 फॉर्मूले और आते हैं। बिल्कुल देखो देखो, अब इधर आ जाओ, तो पांचवा नंबर में सेक और कोसेक में, सेक और कोसेक में रिलेशन बनता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये हो चुका सेक 90° माइनस थीटा इज इक्वल टू ये बदल जाएगा सर कोसेक में, किसमें, कोसेक थीटा में चेंज हो चुका। अब सेक की जगह चिपकाओ इस कोसेक को और कोसेक की जगह इस सेक को चिपका दो, तो छठवां नंबर का हमारा पूरा कोण का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा, तो सेक की जगह हमको लिखना है कोसेक, तो कोसेक 90° माइनस थीटा इज इक्वल टू ये बदल चुका सर सेक में, किसमें बदल चुका सर, सेक में बदल चुका, सेक थीटा आ चुका। ये 6 फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था, एक बार मैंने और रिवीजन करा दिया, आपको रिवाइज कर दिया। ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो ये कौन सा फॉर्मूला हमारा, तो ये है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। चलो एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, चलो बिल्कुल अनुपात,
ये इसका फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर लिखवा भी दिया, छह फॉर्मूला, बिल्कुल छह फॉर्मूले को रट्टा मान लेना है। इसी छह फॉर्मूले के बेस में आज हम चार या पांच प्रश्न करने वाले हैं, बिल्कुल देख लो आ जाओ। चलिए अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है, मान ज्ञात करना है tan 15 अंश बटा cot 75 अंश धन sin 31 अंश बटा cos 59 अंश, और ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2020 सेट सी में। इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट ए और सेट बी में भी पूछा गया था। सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल नहीं करने वाले, हम प्रश्नों को हल करने का कॉन्सेप्ट सीखने वाले, मेथड को सीखने वाले, बिल्कुल आ जाओ प्रश्नों को ही रटेंगे। देखो सर अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे कि पूरे में पूरा नंबर मिले, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो तो सबसे पहले यहां पर लिखो हल, देखो हल हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है, तो उसी बात को हम यहां पर एक लाइन लिखना चाहेंगे, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए बोलिए बच्चों किसका मान ज्ञात करना है, सर हमें इसका मान ज्ञात करना है जो कि हमें दिया हुआ है tan का 15 अंश है, ये हो जाएगा tan का 15 अंश, और नीचे में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है cot का 75 अंश, बिल्कुल। फिर प्लस है तो प्लस छिपा है, फिर क्या दिया हुआ है सर बोलो, ये दिया हुआ है sin 31 अंश, और नीचे में क्या दिया हुआ है cos का 59 अंश, ये हो चुका cos का 59 अंश, ठीक है। हमें इसका मान ज्ञात करना, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। देखो कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आ जाओ देखो 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 बराबर। हमने पहले tan को लिखा, अब tan को लिखते ही आपको 2 सेकंड रुक जाना है और सोचना है कि 15 को मैं क्या लिख दूं, 15 को हम क्या लिख दें। देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम 15 को लिखना चाहते हैं 90, 90 में क्या घटा है, 90 में क्या घटा है कि हमें 15 मिल जाए। तो अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं सर, बिल्कुल आप नीचे वाले को देख लो, ये दिया हुआ है 75, मतलब कि 90 में अगर मैं 75 को घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा सर 15 अंश मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस 15 की जगह आपको चिपकाना पड़ेगा 90 ऋण, ये हो जाएगा सर ये 75 अंश, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है। ब्रेकेट को कर दो क्लोज, और नीचे वाले को कोई चेंज मत करो, इसको एज इट इज लिख दो, ये हो जाएगा कॉट का 75 अंश, बिल्कुल। तो प्लस है तो प्लस, वापस से देखो साइन को पहले लिखो और 2 सेकंड के लिए रुको, क्या रुको, देखो 31 को हम लिख सकते हैं 90 ऋण 59, ये 59 को मैंने देखा, 90 ऋण हम क्या लिख लेंगे 59 लिख देंगे, तो वापस से क्या मिल जाएगा 31 अंश मिल जाएगा। तो 31 की जगह मैं लिखना चाहता हूं 90 ऋण 59, बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी क्लियर है। अभी नीचे में क्या आ जाएगा कॉस का, ये हो चुका 59 अंश, बिल्कुल। देखो अब यहां पर देखो tan बदलता है cot में, tan बदलता है cot में, देखो मैंने बताया हुआ था कि tan बदल चुका किसमें cot में, तो यहां पर देखो tan बदलेगा cot में, तो ये हो जाएगा cot का 75 अंश, cot का 75 अंश हो जाएगा, 90 को छोड़ देते हैं, नीचे का cot का 75 अंश वापस से लिखा गया, प्लस है तो प्लस। साइन बदलता है किसमें cos में, साइन बदलता है सर cos में, तो ये हो जाएगा cos 59 अंश, वापस से देखो कॉस का ये हो चुका 59 अंश, और नीचे का कॉस 59 अंश को एज इट इज चिपका दो, चिपका दे सर। हमने यहां पर 2 फॉर्मूला यूज किया हुआ है, उन 2 सूत्रों को यहां पर मेंशन करना जरूरी है, इसमें भी आपको नंबर मिलते हैं। चुके देखो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया हुआ था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सर ये होता है cot थीटा, बिल्कुल सही बात है। फिर यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है कि सर 90 डिग्री sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये होता है cos थीटा, बिल्कुल इन दोनों सूत्रों का हमने यहां पर उपयोग किया हुआ है, बिल्कुल सर। देखो चलो अब देखो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये cot 75 अंश और ये cot 75 अंश दोनों निपट चुके, ये cos 59 अंश और ये दोनों cos 59 अंश दोनों वापस से निपट गए, तो यहां पर भाग वाले को जब काटते हैं तो हमें मिलेगा 1, फिर धन है तो धन, फिर देखो दोनों कट चुके तो क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, 1 और 1 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा सर 2, क्या हो चुका 2 हो चुका, और ये हो चुका हमारा फाइनल आंसर जो आपको 2 में 2 अंक दिलाने वाले। इतना सरल क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों कठिन लगता है बच्चों को त्रिकोणमिति, बहुत ज्यादा सरल है, अगर सूत्र आपको अच्छे से याद है ना तो ये तो आपके लिए हलवा होने वाला है, कुछ भी दम नहीं। देखो 1 मिनट लगता है, 1 मिनट, 1 मिनट में आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, बिल्कुल देख लो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, मान ज्ञात करना, बिल्कुल कर देंगे सर, आजा देख लो मान ज्ञात करना है, पूछा कब गया है छत्तीसगढ़ 2017 सेट ए में पूछा गया था। चलो देखो कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, सबसे पहले यहां पर लिखो हल, यहां पर लिखा मैंने हल, देखो मान ज्ञात करना है, देखो मान ज्ञात करना है, मैंने यहां पर लिखा मान ज्ञात करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए बोलिए बच्चों किसका मान ज्ञात करना है, तो सर हमें मान ज्ञात करना है 2 sin 59 अंश, और बटे में क्या दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है cos का 31 अंश, cos का 31 अंश दिया हुआ, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। अब आ जाओ
टू को उतारो, साइन को उतारो और 2 सेकंड के लिए रुको। हम 59 को क्या लिख सकते हैं, तो 59 को हम लिख सकते हैं 90। अब इस 31 को हटा देंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, 59 अंश मिल जाएगा। तो मैंने 59 को लिख दिया 90 - 31 अंश लिख दिया, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है। नीचे को एज इट इज लिखो, ये बदल जाएगा सर cos 31 अंश, ठीक है। चलो टू, अब देखो साइन बदलता है किसमें, कॉस में, तो कॉस 31 अंश लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। यहां पर ये हो चुका कॉस का 31 अंश, हमने कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज किया हुआ है, चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है। एक्चुअली किया हुआ है जो कि कौन सा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बदलता है किसमें, कॉस में, तो ये हो चुका कॉस का थीटा, कॉस थीटा हो चुका सर। बिल्कुल यहां तक की अच्छे से कहानी क्लियर। अब देखो आ जाओ हाँ, तो देखो ये cos 31 अंश और ये cos 31 अंश निपट चुका, तो हमें फाइनल आंसर मिला हुआ सर 2। क्या मिला हुआ, 2 मिला हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए ही पूछे, ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि छोटा सा बनता है, 3 से 4 लाइन में आप इसको इजिली सोल्व कर सकते हो, 30 से 40 सेकंड लगता है इस प्रश्न को सोल्व करने में। बिल्कुल देख लो इतना ईजी है, इतना ईजी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, फ्री के नंबर है। चलो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो मान ज्ञात करना है इतने अंश बराबर इतना अंश, देखा बराबर नहीं है, cos 55 अंश बटा यहां पर देखो cos 55 अंश, दोनों तो 55 नहीं हो सकता, दोनों तो 55 नहीं हो सकता, हमें ऊपर वाले को सुधारना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, इसको सुधार लेना। ये क्या है सर, cos 35 अंश बटा sin 55 अंश धन sin 35 अंश बटा ये दिया हुआ सर cos 55 अंश। पूछा कब गया है, छत्तीसगढ़ 2017 सेट सी में पूछा गया, बिल्कुल उड़ा देंगे इसको। आजा देख लो, तो यहां पर सबसे पहले लिखो हल, हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है ना, तो हम लिखेंगे यहां पर मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। चलो देखो तो इस बात को हम यहां पर उतारना चाहेंगे कि किसका मान ज्ञात करना है सर, बोलो हमें मान ज्ञात करना है cos 35 अंश, सुधार लो ना, यहां पर 55 नहीं होगा, ये 35 होगा, ठीक है। नीचे में क्या दिया हुआ सर, ये दिया हुआ है sin का 55 अंश, sin का 55 अंश दिया हुआ है, sin 55 अंश मैंने लिखा, फिर प्लस है तो प्लस, ऊपर में दिया हुआ है sin का 35 अंश, sin का ये हो चुका 35 अंश, और नीचे में ये लिखा जाएगा सर, ये लिखा जाएगा cos का 55 अंश। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो बराबर कॉस को लिखो और 2 सेकंड के लिए रुको, 55 अंश, देखो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 90 ऋण 55 अंश, 35 अंश को हमने क्या लिख दिया सर, 90 ऋण 55 अंश लिख सकते हैं। बिल्कुल इस 55 को मैंने दिखा तो 90 में मैं क्या घटा दूंगा तो मुझे 35 मिलेगा, तो देखो हम 90 में जब 55 घटाएंगे तो हमें 35 मिल जाएगा, हमने इसको समझ लिया सर। बिल्कुल नीचे में क्या दिया हुआ है, नीचे का साइन 55 अंश को एज इट इज लिख लो, लिख लिया हाँ। अब देखो वापस से वही कहानी दोहराओ, यहां पर साइन लिखो और 2 सेकंड के लिए रुको, रुके सर अब क्या करेंगे, अब 35 अंश को हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं 90 ऋण 55 अंश, 90 ऋण 55 करेंगे तो हमें वापस से साइन 35 अंश मिल जाएगा, कॉस का 55 अंश को वापस छाप दो सर, छाप दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, तो हमें पता है कि कॉस बदलता है साइन में, तो ये हो चुका साइन का 55 अंश, साइन हो चुका 55 अंश, और नीचे में साइन का 55 अंश को एज इट इज लिखो, ये हो जाएगा साइन 55 अंश, प्लस है तो प्लस, साइन बदलता है कॉस में, साइन बदलता है सर कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस का 55 अंश और नीचे का आ जाएगा कॉस का 55 अंश, हमने एज इट इज लिख लिया सर। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। हमने यहां पर 2 सूत्र उपयोग किया हुआ है, 2 सूत्रों का हमने यूज किया हुआ है, कौन कौन सा, पहला नंबर देखो यहां पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सर ये होता है साइन, cos बदलता है साइन में, बिल्कुल cos साइन में और साइन cos में, यहां पर साइन बदला था cos में, तो हमने यूज किया हुआ था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सर ये होता है cos थीटा, बिल्कुल होता है। यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। सूत्रों को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो जितने भी मैंने फॉर्मूला बताया हुआ सबको याद करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल देखो आ जाओ अब क्या होगा, ये साइन 55 अंश और ये साइन 55 को निपटा दो सर, बिल्कुल निपटा दो, ये कॉस 55 अंश और ये कॉस 55 अंश को भी निपटा दो सर, बिल्कुल निपटा दो। अब देखो क्या हो जाएगा, तो दोनों कर चुके, ये दोनों कर चुके तो क्या बचेगा, अब यहां पर एक बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहां पर ये दोनों कर चुके तो क्या बचेगा सर, एक बचेगा, एक और एक को जोड़ दो, ये हो चुका 2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो आपको 2 में से 2 अंक दिलाने वाली है। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको 1 नंबर में ही पूछे, 2 नंबर में पूछा जा सकता है और 1 नंबर में ही पूछा जा सकता है, तो जैसा पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें जवाब दे देना सर। बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर देख लो, ऐसे आपको राइटिंग बना के लिखना है ताकि आपको पूरा में पूरा अंक मिलने वाले हैं। चलो
तो अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4 आपके स्क्रीन पर देखो क्या बोला गया। मान ज्ञात कीजिए cos 80 अंश बटा sin 10 अंश धन cos 59 अंश इनटू cos 31 अंश बराबर 2। एक्चुअल बच्चों यहां पर मान ज्ञात नहीं करना है, हमें मान ज्ञात नहीं करना, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है कि हमें मान ज्ञात नहीं करना बच्चों, सिद्ध करना है कि cos 80 अंश बटा sin 10 अंश धन cos 59 अंश इनटू cos 31 अंश बराबर 2, हमें ये प्रूफ कर दिखाना है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका, सुधार लेना है। मान ज्ञात नहीं करना, हमें सिद्ध करना, बिल्कुल सिद्ध करना है। चलो सिद्ध कर देंगे सर। देखो क्या करेंगे, देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे कि पूरे में पूरा अंक मिले। सबसे पहले यहां पर लिखो हर, देखो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पर मान ज्ञात कर रहे थे, तो हम फर्स्ट टाइम में लिखते थे मान ज्ञात करना है करके, यहां पर हमें सिद्ध करना है, तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, बिल्कुल सिद्ध करना है। चलो चलो बच्चों बताओ मुझे कि हमें क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना सर, ये हमें जो सिद्ध करना क्या दिया हुआ है, कॉस का 80 अंश दिया हुआ है और बटे में दिया हुआ है साइन का 10 अंश, फिर क्या दिया हुआ है सर, कॉस का दिया हुआ है 59 अंश और इंटू में दिया हुआ है कॉसेक का 31 अंश बराबर 2, हमें ये प्रूफ कर दिखाना है। बिल्कुल सर कर देंगे। तो हम इस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड ला देंगे। बिल्कुल देखो, तो मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड LHS को एक बार उतारना चाहूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया हुआ सर, बोलो, ये दिया हुआ है कॉस का 80 अंश, बटे में दिया हुआ सर ये साइन का 10 अंश, साइन का 10 क्वेश्चन को चिपकाओ, प्लस है तो प्लस, फिर क्या दिया हुआ है कॉस का 59 अंश है, इसको भी चिपकाओ, फिर इंटू में दिया हुआ है कॉसेक का 31 अंश, सर इसको हमने एज इट इज लिख दिया, बिल्कुल लिख दो। अब क्या करेंगे, देखो कब क्या करेंगे, देखो तो कॉस लिखते ही 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, कॉस को उतारने के बाद 2 सेकंड के लिए रुक जाओ और सोचो कि 80 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 80 को हम लिख सकते हैं सर 90 ऋण 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो, ये हो जाएगा 90 अंश ऋण का 10 अंश हो चुका। बटे में देखो, बटे में जो साइन का 10 अंश है इसको कोई भी चेंज मत करो फिलहाल, ये हो जाएगा साइन का 10 अंश, बिल्कुल सर कॉस लिखो और 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, 59 को हम लिख सकते हैं 90 ऋण 31 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 90 अंश ऋण का 31 अंश, फिर इंटू में क्या हुआ है, इंटू में दिया हुआ था कॉसेक का 31 अंश, बिल्कुल सर हमने इसको चिपका दिया। अब देखो हाँ, तो अब देखो साइन बदलता है किसमें, कॉस बदलता है साइन में, साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में, तो यहां पर कॉस को बदलना हमें साइन में, तो ये हो जाएगा साइन का 10 अंश और नीचे में आ जाएगा साइन का 10 अंश। अब यहां पर कॉस बदलेगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन का 31 अंश, फिर इंटू ये हो जाएगा सर कॉसेक का 31 अंश, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है। हमने 2 फॉर्मूला यहां पर यूज कर दिया है, कौन कौन सा फॉर्मूला, देखो मैं यहां पर साइड में लिखूंगा इसको, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, पहले नंबर में हमने यूज किया हुआ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos बदल जाएगा सर sin में, फिर हमने यूज किया हुआ है sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सर ये होता है cos थीटा, बिल्कुल सर ये होता है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो आगे की कहानी, अब देखो अब आ जाओ इधर आ जाओ, हाँ, तो ये साइन 10 अंश और ये साइन 10 अंश को निपटा दो, सर निपटा दो, बिल्कुल निपट गया, तो हमें क्या मिला, 1 मिला। अब देखो यहां पर प्लस है तो प्लस को मैंने लिखा, देखो यहां पर ये दोनों कट नहीं रहे, ये दोनों कट नहीं रहे, और हमें पता है कि साइन और कॉसेक में क्या बनता है सर, रिलेशन बनता है, तो साइन को मैं क्या आया सर लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक 31 अंश हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सर साइन और कॉसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो साइन 31 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉसेक 31 अंश लिख सकते हैं। ऊपर में क्या है इंटू में, तो इंटू में अभी भी कॉसेक 31 अंश है। हमने यहां पर फॉर्मूला जो यूज किया हुआ है वो कौन सा किया है, इस बात को मैं यहां पर लिखेंगे, देखो यहां पर लिखते हैं, चलो चूंकि चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ये होता है सर कॉसेक थीटा, बिल्कुल ये कहानी कहा है क्लियर है। अब देखो आ जाओ चलो हाँ, तो ये 1 का 1 ही लिखा जाएगा प्लस, ये कॉसेक 31 अंश और ये कॉसेक 31 अंश को हम निपटा सकते हैं सर, निपटा दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 2, यानी कि क्या आ चुका 2 आ चुका, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके बराबर है सर, ये राइट हैंड साइड के बराबर है, दोनों पक्ष बराबर आ गया। देख लो हमें 2 लाना था यहां पर और यहां पर 2 आ भी चुका है, तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड बराबर 2 आ चुका है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है और यही हमें सिद्ध करना था, इस बात को हम यहां पर लास्ट टाइम में लिखेंगे, यही सिद्ध करना था,
यही सिद्ध करना था। तो दो नंबर के लिए भी आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया जा सकता है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित। तो आज के इस क्लास में वापस से हमने चार प्रश्नों को समझ लिया है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो दो नंबर वाले मैंने आठ प्रश्न आपको बता दिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं यही नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, हाँ, लेकिन इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला है, तैयारी करके जाना पड़ेगा आपको। चलिए, और कुछ प्रश्न का बिल्कुल नहीं है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे। आज की इस क्लास में मैंने आपको दो नंबर वाले प्रश्नों के बारे में चार प्रश्न बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बड़े प्रश्नों पर बात करेंगे, छह अंक वाले प्रश्नों पर बात करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तीन प्रश्न आपको बताने वाला हूं, तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में फंसने वाला है, वो तीन प्रश्न ही आपको करना, और बड़े प्रश्नों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना है और शेयर करना है। हम मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 5 पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।